सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप और आप अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, यानी आपका कंप्यूटर लैपटॉप हैंग करता है या फिर स्लो चलता है और आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ या फिर आप कह सकते हैं 5 ऐसे विंडोज सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके आप डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं विनोद सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के अंचल में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब भी आप कोई नया कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम लेते हैं तो ऐसे में शुरुआत में जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस होती है वो एकदम फर्स्ट क्लास होती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका सिस्टम पुराना होता जाता है तो आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डाउन होते चली जाती है, यानी आपका कंप्यूटर हैंग करने लग जाता है या फिर स्लो चलने लग जाता है। तो दोस्तों ये सब होता है आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स फोल्डर बने होते हैं इन सब की वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। आज मैं आपको विंडोज के 5 ऐसे बेस्ट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए सीख लेते हैं कि आखिर ये सेटिंग्स कौन से हैं। सबसे पहला सेटिंग जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसका नाम है डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स। आपने अक्सर देखा होगा या शायद आपको पता होगा, जब भी आप कोई अपना कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम ऑन करते हैं तो ऐसे में आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के साथ साथ ही वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि आप उन एप्लीकेशन को यूज नहीं करते तब भी वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लोड पड़ता है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है या फिर आपके कंप्यूटर जो स्लो चलने लग जाता है। तो आप इन सारे के सारे अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का बटन एक साथ, और उसके बाद आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा स्टार्टअप, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी एप्लीकेशन दिख जाएंगी जो आपके कंप्यूटर के ऑन होने के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप उन सारे एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते कि कंप्यूटर ऑन होने के साथ साथ वो एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एंटीवायरस और किसी भी तरह के माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को डिसेबल ना करें। यहाँ पर आप उन्हीं सॉफ्टवेयर को डिसेबल करें जो आपने अलग से इंस्टॉल कर रखा है। तो जैसे ही आप उन सारे अनवांटेड स्टार्टअप एप्स को डिसेबल कर देते हैं तो उसके बाद आपके कंप्यूटर के सीपीयू रैम पर कम लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की स्पीड यानी परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सेटिंग्स आता है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसका नाम है सिस्टम परफॉर्मेंस। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के सिस्टम पे जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सिस्टम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सिलेक्टेड मिलेगा जिसका नाम है लेट विंडोज चूज व्हाट द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर पे ये सिलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस सेटिंग्स को भी यूज करके आप अपने कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो बहुत जरूरी सेटिंग्स आता है जिसका नाम है डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडो का बटन और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सी ड्राइव सिलेक्ट करना है। सी ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका डिवाइस है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो इसे ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह आप अपने सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करके आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिसका नाम है टेम्पररी फाइल्स। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे टेम्पररी फाइल्स है जिन्हें आप डिलीट नहीं करते, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर
या फिर लैपटॉप सिस्टम हैंग होने लग जाता है। तो ऐसे में आप इन सारे टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करके आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो और आर एक साथ। तो यहाँ पर ये रन मोड ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर टाइप करना है परसेंट, फिर उसके बाद आपको टाइप करना है TEMP और उसके बाद फिर परसेंट टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल ए और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके इन सारे फाइल्स को डिलीट कर देना है। ये सारे के सारे टेम्पररी फाइल्स है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर दोबारा से आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडो आर और यहाँ पर आपको सिंपल टाइप करना है TEMP और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स मिल जाएंगे। तो आपको कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है और उसके बाद इन सारे एप्लीकेशन को दोबारा से डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से टाइप करना है अपने कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर और यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रीफेच PREFETCH और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी फाइल्स दिखेंगे आपको इन सारे फाइल्स को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और उसके बाद राइट क्लिक करके इन सारे फाइल्स को भी डिलीट कर दीजिए। तो ये सारे थे टेम्पररी फाइल्स जिनकी वजह से आपका कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम हैंग होने लग जाता है या फिर स्लो चलने लग जाता है। तो आप इन सारे फाइल्स को डिलीट करके आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सेटिंग्स आता है जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिसका नाम है डिस्क क्लीनअप। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप के ड्राइव में बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी फाइल्स है जिन्हें आप डिलीट नहीं करते। तो ऐसे में आप डिस्क क्लीनअप की मदद से उन सारे अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप के सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप पे माई कंप्यूटर को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सी ड्राइव दिखाई देगा, तो आपको इस पर सिंपली राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्क क्लीनअप है वो कैलकुलेट हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ये कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लीनअप सिस्टम फाइल्स। जैसे आप डिस्क क्लीनअप कर लेंगे उसके बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके कंप्यूटर में और ज्यादा फ्री स्पेस हो जाएगा। ये सारी सेटिंग्स यूज करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप एक बार रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप के परफॉर्मेंस में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आया होगा। तो दोस्तों ये थे 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज यार लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्प होगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसमें सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।